पुराना मोबाइल लाएं, नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ है। गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बटी सागर। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह दुखद खबर सामने आई है। तेज रफ्तार स्कूल बस पलट जाने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है, तो वहीं 30 से अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घटना राजगढ़ थाना क्षेत्र के चंदपुरा गांव के पास की है। सूचना मिलते ही कलेक्टर एसपी सहित पूरा प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 3 प्राइवेट स्कूल के बच्चे एक बस में बैठाकर ले जाए जा रहे थे, जिसमें करीब 70 बच्चे सवार थे। वहीं स्कूली बच्चों ने बताया कि ड्राइवर बच्चों को बैठाने के बाद से लगातार जिला से ही फोन पर बात कर रहा था। चंदपुरा के पास ड्राइवर बस से संतुलन खो बैठा और बस पलट गई। यह देख स्थानीय लोग तत्काल ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने बस के कांच तोड़कर सभी बच्चों को बस से बाहर निकाला। वहीं यह देख ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायल बच्चों को इलाज के लिए 108 की मदद से राहतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जिसमें 4 बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्कूली बच्चों के साथ हुई सड़क हादसे ने परिवहन विभाग और पुलिस के द्वारा की जा रही लगातार चेकिंग की पोल खोल कर रख दी है। लगातार चेकिंग के बाद भी बस संचालकों में कोई सुधार नहीं आ रहा है। क्या नाम बेटा? आस्था। कहाँ पलटी हुआ? स्कूल इंटरनेशनल। कैसे पलट गई गाड़ी? अभी क्या हुआ? अपने आप टर्न हो गए और गिर गए। बच्चे घायल हुए हैं? अंशिका विश्वकर्मा, वहीं से हम लोग बस में आ रहे थे। कहाँ से बैठी थी बेटा? जिला से बैठी थी और वहीं से चाचा बात करते हुए आ रहे थे। जैमरा में भी बात की और यहाँ पे अचानक से बस साइड में उगर और पलट गई और चाचा ने कुछ लोगों के लिए उठाया और फिर पता नहीं कहाँ चली गई। ड्राइवर था वो? हाँ, वहीं से बात कर रहा था मोबाइल पर। वहीं से बात कर रहे थे मोबाइल से। नहीं, घटना की जानकारी तो नहीं दे सकते कि कैसे हुई है, बट हम यहीं बाहर थे, तैयार हो रहे थे ऑफिस के लिए, तो एकदम अंदर ही अपने घर के पीछे बस घुसी तो बच्चे निकल, मतलब सब बस गल तो कांच माच फोड़ा, बच्चों को निकाला तो काफी बच्चे घायल हुए हैं, बाकी 2 बच्चे सीरियस हुए हैं, तो उनको प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा, जो कि अभी पता चला है कि वहाँ सागर रेफर। बच्चों की जो स्कूल वाली बस है चंद्रापुर के पास पथरिया के पास पलटी है, जिसमें लगभग जिसमें से 4-5 अभी रेफर कर दिए हैं सागर। एक मृत हो गया है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक बस जो 3 विद्यालयों के बच्चों को लेकर जाती थी, उस बस का एक्सीडेंट हुआ सुबह लगभग 8 बजे करीब। और जैसे सूचना मिली हम लोग मौके पर पहुँचे और हमारी टीम सारी पहुँची, उन्होंने बच्चों को अटेंड किया, बच्चों को निकाला तीव्रता से। दुखद ये है कि एक बच्चे की सूचना, मतलब एक बच्चे की अभी तक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, उनकी शायद उनकी डेथ हो गई है। बाकी 2 बच्चे और घायल हैं, जो कि एक का फ्रैक्चर है वो सुरक्षित है, दूसरा पेट की इंजुरी है वो भी ऐसा कोई गंभीर अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन BMC उनको रेफर कर दिया गया, वो पहुँच गए हैं। बाकी 6 बच्चे और हैं, जिन 6 बच्चों को सर में जरा सी भी चोट आई है, वैसे गंभीर कुछ नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर इसलिए कि बच्चों का मामला है, इनको सभी को CT स्कैन करवाने के लिए सागर भेज दिया गया है और सभी की विस्तृत जांच की जा रही है। सागर में भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इसमें बच्चों के इलाज का संपूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। बाकी जो बच्चे थे लगभग इनके बाद लगभग 30 बच्चे और थे, जो बच्चे अपने अपने घरों पर चले गए हैं, जो उनके हल्के फुल्के निशान थे, पहला फर्स्ट एड दे करके उनको घर पर भेज दिया गया। क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बस मालिक के खिलाफ और जो बस का चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभी चल रही है। सर, ये जो घटना हुई है कलेक्टर साहब ने आप लोगों को डिटेल बता दिया है, इसमें जो बस मालिक है और बस चालक है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही है और इसमें इनकी जो भी इन्होंने की है अपराध किया है उसके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना किसी प्रकार से नहीं हो और जहाँ कहीं पे भी ऐसी है इसमें RTO के विभाग के माध्यम से और बाकी उसके माध्यम से इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो बच्चे बता रहे थे कि लगभग उस जो भी है कार्रवाई इसमें जो भी संबंधित विभाग है उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। राहतगढ़ से धर्मेंद्र राजपूत, सागर TV न्यूज। पुराना मोबाइल लाएं, नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ मोबाइल, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है
गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बत्ती सागर। हमारा नंबर है 9993723214।